Assalamu alaikum classmates, how are you? I hope that you are fine. By the grace of Almighty Allah, we are going with the bang. Our school is also studying so much and teachers are teaching very well. In class 8, there is one fantastic, fabulous and beautiful chapter about the very wonderful personality about Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. The chapter name is The Last Sermon of the Holy Prophet. You know very well that आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 571 एडी हिजरा में सऊदी अरबिया मक्का में पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालु जो है कुरैश की फैमिली से था। कुरैश के लोग बुतों की पूजा करते थे, वो एक अल्लाह को नहीं मानते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात उनको समझाई, रियलाइज कराई कि एक अल्लाह जो सच्चा है, जो सच्ची बात को पसंद करता है, सच्चे लोगों को पसंद करता है, उसकी इबादत करो, उसके अलावा किसी बुत की इबादत ना करो। लेकिन जब उन लोगों ने देखा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो दीन की तबलीग कर रहे हैं, सबको मुसलमान कर रहे हैं, सबको ये बात सिखा रहे हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तो वो लोग सोचने लगे, डरने लगे कि उनके आबाओ अजदाद जो बात किया करते थे, उनके आबाओ अजदाद जो बुतों की पूजा किया करता थे, उनका क्या बनेगा, उन लोगों के बारे में लोग क्या सोचेंगे, क्या वो झूठे बुता थे। तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन बन गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ साजिशें करने लगे, उनके खिलाफ बुरी बातें करने लगे और उनको नऊज़ बिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जान से मारने की प्लानिंग करने लगे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ से हिजरत करके यसरब आए। जैसे यसरब आए, सबसे पहले यसरब के गेट पर जो है एक जगह पड़ती है कुबा, वहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद कुबा की तामीर की, उसकी बुनियाद रखी। फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है यसरब में दाखिल हुए। जहाँ आप दाखिल हुए तो उस इलाके में जो है वहाँ कयाम करने के बाद, इससे करने के बाद ये मालूम हुआ कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं, जैसे हमारी किताब में मेंशन है, 4 ऐसे ग्रुप मौजूद हैं जो गैर मुस्लिम हैं, जिनका कोई दूसरा खुदा है, कोई खुदा, कोई बुद्ध की पूजा करता, कोई आग की पूजा करता, कोई चांद सितारों सूरज की पूजा करता, कोई दरख्त की पूजा करता। यहूदी थे, ज्यूस थे, औस थे, जोश लोग थे, बहुत 4 ग्रुप वहाँ पे मशहूर थे। उन चारों ग्रुप के अलग अलग खुदा, अलग अलग नजरिया। जब उन लोगों को इस बात का इल्म हुआ कि यहाँ पे कोई शख्स मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं, उनका कहना ये है कि ये कि अल्लाह एक है, उसकी सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। जब उनको इस बात में इल्म हुआ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके शहर में दाखिल हो गए, उनके शहर में आ गए, तो वो सोचने लगे कि इसी तरह हमारे पुराने दीन, हमारे आबाओ अजदाद, हमारे बुतों का क्या बनेगा, जो सोने की मूर्ति हमने बनाई हुई उस मूर्ति का क्या बनेगा, वो इस बारे में सोचने लगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन बन गए। जहाँ जाते हैं वहाँ दुश्मनी लोग कर जाते हैं, क्योंकि दीन इस्लाम को फैलाना, दीन की तबलीग करना एक मुश्किल काम था। लोग डरते थे कि अगर दीन इस्लाम फैल गया तो हमारे खुदाओं का क्या बनेगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों से मज़ाकरात किए, उनके लिए मीटिंग रखी, एक दावत रखी, उनको एक टेबल पे बिठाया, उनसे बातचीत की, तुम अपने खुदा की तबलीग करो, हम अपने खुदा की तबलीग करते हैं। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है, दीन इस्लाम एक सच्चा मजहब है। जब कोई शख्स सच्ची बात करता है, सच्ची बात बताता है, सच्चे लोगों के बारे में बात करता है, तो लोग कन्विंस हो जाते हैं, आसानी कन्विंस होते हैं। आपने एक मशहूर वाक्य सुना होगा मदीना के हवाले से कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इज्तिमा में मौजूद थे, वहाँ से मुख्तलिफ गुरु किस्म के लोग गुजरते, घोड़ों पे गुजरते, तो उन्होंने क्या देखा कि एक खूबसूरत तरीन चेहरा, एक नौरानी चेहरा, उसके आस पास लोग इर्द गिर्द खड़े हैं, वो चेहरा कोई बात कह रहा है, लोग उसकी बात को ध्यान से सुनते हैं, रश लगा हुआ है, लोग रुक गए, अपने घोड़े से उतरे, सवारे से उतरे, कहते हैं देखते कौन है, क्या बात कर रहा है, इतना नौरानी चेहरा किसका है। जैसे ही वो नौरानी चेहरा उन्होंने देखा तो लोगों ने कहा ये जो खूबसूरत तरीन एक चेहरा है, ये चेहरा कभी झूठ नहीं कह सकता, ये जो एक बेहतरीन शख्सियत है, बेहतरीन पर्सनैलिटी है, जिसकी बात से सिवाय मीठी बातों से, सिवाय इखलाक के अलावा कुछ नहीं करता, ये चेहरा झूठ नहीं कह सकता।
लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बात को सुना, पैगाम क्या था, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। 1,24,000 पैगंबर जो इस दुनिया में आए, सबका एक ही पैगाम था, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। सो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही पैगाम था। और इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 हिजरी में अपना आखिरी खुतबा इरशाद फरमाया। उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बात लोगों को बताई कि जो लोग यहाँ मौजूद ना हो वो उन लोगों को ये तमाम पैगामात पहुंचा दें जो यहाँ मौजूद नहीं है। एक अरबी को अजमी पे, अजमी को अरबी पे कोई फजीलत नहीं। एक गोरे को काले पे, काले को गोरे पे कोई फजीलत नहीं। तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। सिर्फ फजीलत उस शख्स को हासिल है जो नेक है, परहेजगार है, मुसलमान है, नेक अमल करता है। बस वही फजीलत है, उसी शख्स को फजीलत हासिल होगी जो गुनहगार नहीं है। अगर आप पैसे की बुनियाद पर फजीलत हासिल करना चाहते हैं तो आपको नहीं मिलेगी। सिर्फ दीन की बुनियाद पर, मजहब के नाम पर, सबब के नाम पर आपको फजीलत मिल सकती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खुतबे में बहुत सारी ऐसी बातें बताई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आज के बाद शायद हमारी और तुम्हारी मुलाकात ना हो सके, मैं चला जाऊं इस दुनिया से, उसके बाद मेरे आबा उजदाद, मेरे सहाबा और यह होली कुरान होगा तुम्हारी रहनुमाई के लिए। जो लोग इस होली कुरान को पढ़ेंगे, समझेंगे और दूसरों को फैलाएंगे और इसी के ऊपर अपनी पूरी जिंदगी अमल करते रहेंगे वो कभी भी गुमराह नहीं होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबे में इरशाद फरमाया कि लोगों अल्लाह से डरो, वही तुम्हारा रब है, वही तुम्हें पैदा करने वाला, खिलाने वाला, जिंदगी की तमाम जरूरतों को पूरा करने वाला कौन है, अल्लाह रब्बुल इज्जत, उसका खौफ अपने दिलों में पैदा करो। ये जो आखिरी खुतबा था ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए है। पूरी दुनिया में चाहे इसका कोई भी मजहब हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, हिंदू, यहूदी हो, वो खुतबा सबके लिए, सब सुने, इसकी अदात करें, इस बात को समझें, इस मैसेज को समझें, पूरी दुनिया को बताएं। आई होप दैट चैप्टर कोई मुश्किल नहीं है, द लास्ट सन ऑफ द प्रॉफिट। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन कम टू मी इन द क्लास, आज मैं। अस्सलाम वालेकुम।